जय हिंद दोस्तों। 23 दिन के बाद लाखों का एरियर का भुगतान, ओआरओपी का जो रिवीजन होना है उसका लाखों का भुगतान कब किया जाएगा, इस पर बड़ी अपडेट है। बता दें कि सांसद जी को लेटर लिखा गया है ओआरओपी से संबंधित, उस लेटर को भी दिखाएंगे। और जनरल सतवीर साहब ने ओआरओपी पर एक बड़ी बात कही है, ओआरओपी के भुगतान के लिए एक लेटर जारी हुआ है। वो ये सब बातें करने से पहले एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। बता दें कि लेटेस्ट अपडेट जो आई हुई है वो है सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख का बयान। बोले, हम पीओके वापस लेने को तैयार हैं, सरकार के आदेश का इंतजार है। उन्होंने 22 तारीख का, ये है इनका बयान, 22 तारीख का है, अमर उजाला की खबर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के आदेश का इंतजार है पीओके वापस लेने के लिए। 2019 से इसकी तैयारी जो चल रही है उसके भी इसी बात के इशारा कर रहे हैं कि पीओके पर कुछ नया होने वाला है, पाक एक्यूपाइड कश्मीर पर। अब बात कर लेते हैं जो ओआरओपी पर लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। ओआरओपी पर जनरल सतवीर साहब ने एक्सटेंशन के बारे में कही है बात। एक्सटेंशन के लिए एक्स सर्विसमैन को 23 दिन और के बाद 15 दिसंबर 2022 को बकाया का भुगतान करेगी सरकार, ये कहा है उन्होंने। सरकार ने ना तो बकाया भुगतान किया है और ना ही इस आशय पर कोई आदेश जारी किया है। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट की 3 मीटिंग हो चुकी हैं जब से एक्सटेंशन मिला हुआ है और अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसमें बता दें कि समय बढ़ने के बाद क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेगी, इसका इंतजार अभी भी एक्स सर्विसमैन को है। एक लेटर भी जारी हुआ है, वो भी बताएंगे। एक कर्नल साहब ने कहा है, फौजी एक नहीं हो सकते हैं, काम नामुमकिन है। कर्नल साहब का कहना है कि फौजी एक नहीं हो रहे इसलिए ये काम नामुमकिन हो रहा है। मेजर जनरल सतवीर साहब ने कहा है, असंभव कुछ भी नहीं है, संयुक्त प्रयास समय की मांग है, हमें संयुक्त रहने की जरूरत है। और इसमें जनरल साहब ने यह भी कहा है कि अगर हम अपने मेडल वापस करेंगे, अगर ये 15 दिसंबर तक इसका फैसला नहीं आया तो मेडल वापस किए जा सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा, अगर नहीं इस 15 दिसंबर तक इसका कोई डिसीजन निकला तो हम सीसी फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, जनरल साहब ने कहा। अभी बात कर लेते जो एक लेटर जारी हुआ है, वो पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने दिया है और किनको दिया है, सेवा में श्री सुभेशानंद सरस्वती जी, ये सांसद महोदय हैं सीकर राजस्थान, और ये केंद्र सरकार में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इनको एक लेटर दिया है 1 रैंक 1 पेंशन का भुगतान करवाने हेतु। उसमें कहा गया है, उपरोक्त विषय के से आपसे निवेदन है कि पूर्व सैनिक को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2019 से 1 रैंक 1 पेंशन योजना का भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि जो 2019 से रिवीजन होना था उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, और 2015 में जो लागू हुआ था वो उसका भुगतान हो चुका था, लेकिन 2019 से जो रिवीजन होना था उसका भुगतान नहीं हुआ है। इसमें कई लाखों का एरियर बाकी है। इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च 2022 को अपने निर्णय में केंद्र सरकार से कहा था कि 3 माह के बकाया राशि की दी जाए, यानी कि 3 महीने का बकाया राशि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बावजूद इसके केंद्र सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय से समय पर मांग रही है। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का बकाया भुगतान करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी नहीं किया, अभी तक किसी को निर्देश जारी नहीं किए। बता दें कि अभी पहले बैंकों को निर्देश जारी नहीं होंगे, पहले इसका ड्राफ्ट पीसीडीओ को दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ इसका निर्णय आएगा। यानी कि पीसीडीए को ड्राफ्ट देगी जब सरकार, तभी इस पर कोई फैसला आएगा। आपसे आग्रह है कि रक्षा मंत्री जी इस बारे में पत्र लिखा जाए, आपके द्वारा रक्षा मंत्री को इसके बारे में पत्र लिखा जाए, 15 दिसंबर 2022 से पहले पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का बकाया राशि का भुगतान किया जाए। महोदय, आपसे संसद क्षेत्र में हजारों पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन योजना से वंचित हैं, लिहाजा नीम का नाथ थाना के समस्त पूर्व सैनिकों की ओर से निवेदन है कि इस मामले में गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, जिससे सालों साल देश की सेवा कर रहे पूर्व सैनिकों को इसका हल मिल सके। तो ये लेटर लिखा है पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने अपने सांसद महोदय को।
और बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने लोकल नेताओं को इस पर प्रेशर डालना चाहिए कि अगर वो वोट मांगने आए तब उन पर प्रेशर डालना चाहिए, और इस पर प्रेशर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। बता दें कि ओआरओपी का अगर लेटेस्ट अपडेट जाने आप तो सरकार इस साल इस पर कोई डिसीजन लेने वाली नहीं है, क्योंकि कमी है मनी की, यानी कि पैसे की कमी के कारण अभी इस साल तो ऐसा फैसला नहीं ले सकती है सरकार। ये हमारी तरफ से खबर है इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।